पानीपत के गांव रिसालू की 60 वर्षीय महिला का शुक्रवार को गांव के तालाब के पास शव मिला है। महिला रोशनी देवी गुरुवार रात से लापता थी। ग्रामीणों ने महिला की पहचान करके उनके बेटे को जानकारी दी। वहीं महिला के परिजनों ने दामाद पर हत्या के आरोप लगाए हैं। बता दें कि रिसालू गांव निवासी 60 साल की रोशनी देवी के पति कर्ण सिंह की 2015 में बीमारी के कारण मौत हो चुकी है। अब वह मेहनत मजदूरी करके अपनी 5 बेटी व 1 बेटे को पाल रही थी। महिला के बेटे दीपक ने बताया कि उनकी मां गुरुवार रात को अचानक गायब हो गई थी। उन्होंने देर रात तक गांव में मां की तलाश की, लेकिन वह नहीं मिली। सुबह ग्रामीणों ने सूचना दी कि तुम्हारी मां का शव तालाब के किनारे पड़ा है। मौके पर जाकर देखा तो शव के पेट पर कपड़ा बंधा था। पानीपत के सामान्य अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाने पहुंचे मृतका के बेटे दीपक ने आरोप लगाए कि उसके जीजा ने जमीनी विवाद के चलते पहले उसकी जमकर पिटाई की और फिर उसे धमकी दी थी कि अब वह उसकी मां की भी वह हत्या कर देगा। वहीं आक्रोशित महिलाओं ने दामाद की सिविल अस्पताल के मोर्चरी हाउस के बाहर जमकर धुनाई भी की। इधर पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच करने में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा होगा। हाँ जी, इन्होंने मेरे को, मेरे जीजा ने जिसका नाम राकेश है, उन्होंने मेरे को एक प्लाट के धोखाधड़ी में फंसवाया और धोखाधड़ी करके मेरे को अपने गांव फुरल गांव में ले गया है। जो जो हो गया सो हो गया, बाकी दोस्त जाट के कार्रवाई कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। ये बात करके मेरे को अपने फुरल गांव में ले गया फार्म पे जी। फार्म पे ले जाकर पहले दारू पी, फिर वो चाचा तो सच बता दे, नहीं तो लठो के पिटूंगा मैं। मतलब जीजा जो सच है, वो जो आपने मतलब बोला था कि जुकुर जो मैं कहूँगा नुए करिए जीजा, जो आपने बोला मैंने तो करा नू को ना मानता भाई, इन्हें लंबा सीधा करो जी। इन्होंने इस गल तीन आदमी और थे जी, उन्होंने करा कोई बात नहीं, बार प्यार तक पूछने मान जा ठीक है, क्यों मेरे हाट उठा तड़ो है करा मा जीजा जुकुर तो ने कहा था मैंने तो करा ना, ये झूठ बोला, पकड़ो इसने। यह बात कर दीजिए, उन्होंने मेरे लठो लठ मारे जी, बेल्टे मारी, पाइप मारे जी, पानी वाले पाइप। माँ को भी मारा? माँ को तो जाकर 3 दिन बाद ठा के लाया जी। वो पहले जिस ने मेरी 2 दिन मेरी पिटाई करी जी उन्होंने। आपको कैसे पता चला कि आपकी माँ को उन्होंने मारा? मेरे को पहले जी मारा पिटा, उन्होंने बोला मैं तेरी माँ को बैठा के लेके आऊँगा, चल जो कुछ हो गया हो गया। हाँ मेरी माँ, अपनी माँ तो बोलिए कि वो जाट के तेरे के धोखाधड़ी करी ना, तो उस पर कंप्लेंट कर लिया। माँ ठीक है, माँ जीजा मोरा जीजा मेरी माँ को मारूंगे तो नहीं आप करें, नहीं जो जो कुछ हो गया हो गया, मैं नहीं मारूंगा तेरी माँ को भी। माँ ठीक है जीजा चल, मैंने अपनी माँ बोली मामा चलो जो मैं जीजा कह रहा जो हो गया सो हो गया, इफ तो मेरे के लिए चल और जाट की कार्रवाई करो, उसकी जा कंप्लेंट लिखवानी है 29 सेक्टर में, तो मेरे साथ चल। मेरी माँ कह रही चल ठीक है बेटा मैं चल पड़ूंगी। आई मेरी माँ थाने के बजाय अपने फिर फार्म पे ले गया रात को, ये वहाँ पे फार्म पे ले जाकर पूछा बुढ़िया चलो ढंग से बता दे, जैसे जैसे उसने मेरे के लिए करा वैसा बर्ताव ने मेरी माँ के लिए करा जी। मेरी माँ तो बोला चाचा ढंग से बता दे, नो जो तेरा छोरा पिटा नो तो तने पिटेंगे। मेरी माँ ने कह रही बेटा मेरे छोरे ने कोई धोखाधड़ी नहीं करी, मेरी माँ ने मेरे बेटे ने छोड़ दो जमीन का जी, जमीन झूठी झूठा जो था जी, जमीन का था जी। आए किसके नाम थे जमीन? जी मेरे जीजा मेरे नाम कराए थे जी, हर जी जिसकी जमीन थी ना उन्होंने भी नहीं, मेरा जमीन कहाँ पे है किसने मेरे नाम कराई है उस बंदे का भी नहीं पता जी मेरे को। तो मुझे ना मैं जीजा कह रहा जो जो मैं कहता रहूँगा ना वो करता रहिए। किसी ने आपके नाम जमीन करवाई थी, वो जमीन आपके जीजा लेना चाहते थे? हाँ हमें जीजा नु भी कहता था नुको जमीन मैंने जान नहीं दूँ कितनी भी, हर तुम तन ने छोटू भी नहीं मैं हर मेरे नु करा जो जो मैं कहूँगा नु करता रही है। इन्होंने मेरे तेज जी में कराया, मैं तेरे अकाउंट में एक चेक लगाऊंगा 7-20 का और मेरा बंदा होगा जिसका नाम अमित है उसको तो कुड़वा के वापस दे दिए। हमारा ठीक है जी, वो मेरे पास 11 तारीख उसने मेरे को चेक दिया और 11 तारीख तो रही लगाई नहीं जी, 14 तारीख को चेक लगा उसने, 14 तारीख को सवेरे आया 10 बजे 10:30, 11 बजे मैंने उसको पेमेंट कटवा के दे दी जी, 12-1 बजे में उसको पेमेंट कटवा के दे दी जी। अगर नहीं कहना था जी आप बैंक में जाकर स्टेटमेंट देख सकते हो, वीडियो भी आपको वहाँ मिल जाएगी। फिर आपकी पिटाई क्यों करी आप सारा सब कुछ करने के लिए तैयार? तो उन्होंने बोला आप तो जो हो गया कुछ हो गया, तुम मेरे को और पैसे दे हन्नू के, मैंने 3 लाख तेरी जमीन 25 लाख की बेची है, उन्होंने मेरे को ये बोला जी उन्होंने मेरे को। मेरे को सूचना मिली थी कि महिला की डेड बॉडी तालाब में है रिसाड़ू गाँव में, मैं वहाँ पे गया था तो इसके लड़के को और उसको बुलाया था, लड़के ने अपने बयान दिए थे कि इस तरह ये बात है, मैं अब यहाँ पे छोड़ के चले गया था अपने जीजा के साथ और मेरे को कोई शक शुभा नहीं। उसके बाद यहाँ पे आ गए तो हमने 74 की कार्रवाई करने के लिए जाते हैं, तो अब मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ तो इन्होंने बताया कि जी उसको मेरे को भी पीटा गया था और मेरे को माँ को मारा गया था,
मेरी माँ को भी पिटाई की गई थी। लेकिन ये एक तारीख को जाते हैं और एक तारीख के बाद तीन तारीख वापस आते हैं, तीन तारीख में फिर यहाँ पे चले जाते हैं इसकी माँ को छोड़ करके यहाँ पे। तीन तारीख के बाद कल ये हमारे पास आए थे तो हमने बता दिया, उनसे बात की है कि आपके माँ ये कहने लगे कि जी मेरी माँ को और मेरे भाई को ले गए इसकी बहन, तो हमने उनसे बात की तो वो कहने लगे कि मैं यहाँ पर माँ मेरी वहीं पर, मैं यहाँ पर फुरलख में हूँ, अपने जीजा के पास हूँ और सुबह आ जाइए, ये हमारी बात हुई थी। तो सुबह हमें पता चला कि वो डेड बॉडी मिली है, तो इन्होंने ये बयान किया। अभी जैसे भी ये बयान देंगे और जैसे भी ये कह रहे हैं मेरी पिटाई की गई, तो मैं इस मामले में इसका मेडिकल भी करा लूँगा, मेडिकल जो भी कार्रवाई होगी जो उचित कार्रवाई होगी और जो कानून में वही काम होगा। यहाँ भी तो लोग पिटाई नहीं, यहाँ तो जिसके तरह मेरे सामने तो कोई ऐसी बात नहीं, ये तो इसी ने बताया जीजा को भी पिटा आपस में। तो जब एक महिला के डेथ हो जाती तो आक्रोश तो रहता ही है, किसी प्रकार का कोई संबंध हो कोई बात हो तो उस संबंध में तो मैं कह नहीं सकता, मेरे इस संज्ञान में नहीं आई है कि उनकी पिटाई की। ब्रेकिंग न्यूज रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक